अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद मिस्री गरानी और हमने साइंस क्लास शुरू किए थे और ब्रेन हमने मुकम्मल कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का होता है, इट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यूज दैट रन फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द बैकबोन विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये क्या होता है, ये एक नर्व टिश्यू का ही बना होता है, यानी इसका इसका काम क्या है, ये नर्व टिश्यू से ही बना होता है। एक लॉन्ग पीस है जो ब्रेन से लेकर हमारे बैकबोन के अंदर साइड, बैकबोन बाहर है वो अंदर साइड मौजूद है, और तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नर्व टिश्यू से बना होता है और ये बैकबोन के इनसाइड मौजूद है, अंदर साइड मौजूद है। अब हमने पढ़ा था कि हमारा जो लास्ट पार्ट है यहाँ पर ब्रेन, यानी ब्रेन का लास्ट पार्ट वो है मेडुला ऑब्लांगाटा। अब मेडुला ऑब्लांगाटा लास्ट पार्ट है, यानी स्पाइनल कार्ड जो कनेक्ट होता है ब्रेन से वो किस जगह पर होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा के जरिए कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेडुला ऑब्लांगाटा कनेक्ट स्पाइनल कार्ड विद ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लांगाटा। इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बैक पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बैक पार्ट जो बॉडी होता है उसको ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन उनसे वसूल करता है, हासिल करता है, मतलब बैक पार्ट जो हमारे ऑर्गन मौजूद हैं उनके। 31 pairs of spinal nerves arise from spinal cord. Spinal cord के जरिए 31 pairs, यानी spinal nerve हुए वो नर्व होते हैं जो spinal cord से निकले। तो 31 यानी 31 ऐसे pairs होते हैं, spinal nerve होते हैं जो spinal cord से निकलते हैं, ठीक है। ब्रेन से 12 pair निकलते हैं और इससे 31 pair निकलते हैं nerves. Spinal cord connects the brain to the body's nerves. Spinal cord एक connection करता है, brain खुद कनेक्ट होता है ब्रेन से मेडुला ऑब्लांगाटा के जरिए, और खुद कनेक्ट करता है ब्रेन और मुख्तलिफ नर्व्स को, तो एक बीच का रास्ता है। इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, अब ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, इनवॉलंटरी एक्शंस को, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जो उनको हम कहते हैं सडन और क्विक एक्शंस, यहाँ पर मैंने लिखा है सडन और क्विक एक्शंस। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम मिसाल कोई भी जो हार्ट ऑब्जेक्ट हो, गर्म हो, उसको हम हाथ लगाते हैं ऐसे ही यकदम, हम उसको हाथ को अपने मतलब बैक करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो ब्रेन तक पैगाम नहीं पहुंचता, वो स्पाइनल कार्ड महसूस करता है, और इस किस्म के एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। स्पाइनल कार्ड बहुत आसान टॉपिक था, उम्मीद है आज को आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।